चावा, बजीस, फिंचेस, कॉकटेल, कनूर, लव बर्ड्स, जो भी बर्ड्स, सबके लिए ये मेडिसिन आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सबके लिए। ये बर्ड्स मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये मेडिसिन अगर आप लोग दोगे ये बुखार से, ये बर्ड्स डेफिनेटली ठीक हो के आएगा। जी हाँ दोस्तों, मगर इस मेडिसिन के बाद आप लोग को और एक कोर्स करना है जो कि डाइजेस्टिव। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिताभ, आप लोग को वेलकम करता हूँ अनदर एपिसोड ऑफ बेहलो बर्ड्स वर्ल्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं एंड आपके घर में जो बर्ड्स हैं वो भी हेल्दी एंड अच्छे हैं। तो आप लोग को थंबनेल और इंट्रो देख कर तो पता ही चल चुका है कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है बर्ड्स का फीवर का सिम्टम्स एंड उसका ट्रीटमेंट के ऊपर। मैं अपना जो सेटअप है वहाँ पे मैं बर्ड्स का जब बुखार होता है या फीवर होता है बोलिए, या फिर कोई भी परेशानी हो रही है बर्ड्स को, उसको मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ उसके ऊपर ही आज का टॉपिक है। आप लोग को समझना पड़ेगा कि बर्ड्स को भी बुखार होता है, कब होता है, कैसे आप लोग को पहचान में आएगा कि बर्ड्स को बुखार हुआ है, एंड आपको उसको उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट करना है वही सब आप लोग को आज डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए। एंड उससे पहले जो कोई भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो सीधे आ जाता हूँ मेरा टॉपिक पे जो है बर्ड्स फीवर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को समझना है कि बर्ड्स को भी बुखार होता है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग को बुखार होता है, फीवर होता है, तो बर्ड्स को भी होता है। देखिए, हम लोग का कलकत्ता में तो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, कभी कभी ये टेम्परेचर 40 डिग्री जा रहा है, कभी कभी 30 डिग्री, बिलो 30 डिग्री भी हो जा रहा है, एंड उसी बीच में कभी कभी यहाँ पे भारी बारिश भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेदर फ्लक्चुएट हो रहा है ये एकदम खतरनाक टाइम है बर्ड्स के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर कभी बहुत गर्मी, कभी हल्का सा ठंडा हो जा रहा है एक ही दिन में, तूफान चल रहा है, बारिश हो रहा है, इसी वजह से बर्ड्स के ऊपर अगर हवा डायरेक्टली लग रहा है ये तूफान का, उसको तुरंतली कुछ ना कुछ बीमारी लग सकता है, एंड जो कि है मेनली लगता है बुखार, फीवर हो जाता है बर्ड्स को। क्यों होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये गर्मी के टाइम मैक्सिमम हम लोग जो कैप्टिविटी में बर्ड्स पालते हैं सबका अभी ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग क्या किया है, सब नेस्ट बॉक्स खोल के बर्ड्स को रेस्ट में रख दिया है। ये टाइम बर्ड्स को जब भी हम लोग रेस्ट में डाल देते हैं, ये टाइम बर्ड्स मोल्टिंग पे आ जाता है। अगर मोल्टिंग में बर्ड्स आता है, मोल्टिंग क्या है इसके ऊपर अगर आप लोग को नहीं पता है, इसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, एंड फिर से और एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए कि हैवी मोल्टिंग एंड लाइट मोल्टिंग के ऊपर डिफरेंस आपको सब शेयर कर दूंगा। जो भी है, ये टाइम बर्ड्स मोल्टिंग में रहता है। मोल्टिंग मतलब फेदर उसका नया उगना स्टार्ट होता है। ये टाइम उन लोग का शरीर में ऑलरेडी दर्द होता है। ये दर्द होने के वजह से ये बर्ड्स बहुत वीक रहता है ये गर्मी के टाइम, एंड इसी टाइम अगर बारिश हो रहा है, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये बर्ड्स को बुखार लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको हाई फीवर भी हो सकता है, इस फीवर के दौरान ये बर्ड्स मोर्टेलिटी भी हो सकता है इस बर्ड्स का। आप लोग को देखना है कि ये बर्ड्स को आपको कैसे पहचानना होगा, फर्स्ट इसको बुखार हुआ है देखना, कि कभी भी अगर आपको देखोगे कि कोई भी बर्ड्स अपना पर्च में खड़ा है, चुपचाप बैठा है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फ्लाइंग नहीं कर रहा है, खाना धोना छोड़ दिया, अपना जो फेदर है फेदर को फ्लफी कर दिया, फुला के एकदम बैठा हुआ है, ठीक है, पर्च के ऊपर, वो सब आप लोग को नोटिस करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बर्ड्स फेदर फ्लफी कर दिया मतलब ही बुखार हो गया, आपको उसको नोटिस करना है एक दिन पूरा कि ये बर्ड्स हर टाइम ऐसा हो रहा है कि नहीं, खाना दाना नहीं खा रहा है, अपना शरीर फुला के बैठा हुआ है, फेदर को फ्लफी करके बैठा हुआ है, अपना जो सर है उसको मुंडी अपना शरीर में देखना, कोई कोई बर्ड्स अपना शरीर में ही बर्ड्स अपना मुंह जो है उसको घुसा के सोए रहते हैं, तो ये सब टाइम ये बर्ड्स का बुखार होता है। आप लोग को नोटिस करना है कि बर्ड्स का आँख, अब देखना कि बर्ड्स का आँख में पानी गिर रहा है, वो अपना आँख बंद करके हर टाइम बैठ रहा है पर्च के ऊपर, इसका मतलब उसका आँख से पानी निकल रहा है कंटिन्यूसली, ये सब सिम्टम्स होता है बुखार का। जी हाँ दोस्तों, उसका अगर नोज़ जो विक के ऊपर जो नोज़ है, नोज़ के वहाँ अगर आप लोग नोटिस करोगे वहाँ पर भी आप लोग को पानी दिखाई देगा, ये सब सिम्टम्स होता है बर्ड्स का फीवर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को फर्स्ट स्टेज में पता चल गया कि आपका बर्ड्स फीवर है, आपका बर्ड्स को फीवर आया है, तो आप लोग को क्या क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे ट्रीट करता हूँ मेरा सेटअप पे, मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारा ब्रीडर बहुत डिफरेंट तरीके से, एक सभी का अलग अलग ओपिनियन है, सब अलग अलग मेथड में ये ट्रीटमेंट करता है,
मगर मैं जो फॉलो कर रहा हूँ मेरा सेटअप पे और मैं बहुत ही अच्छा तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ मेरा अपना खुद का बर्ड सेटअप, तो आप लोग उसको अगर ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। मीन्स आप लोग अगर ये टाइप का मेडिसिन फॉलो करोगे आप लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मैं अगर फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे अगर उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये बर्ड्स को बुखार है, इन दैट केस मैं क्या करता हूँ, तुरंत ही उसको अलग कर देता हूँ एक सेपरेट केज में। अगर आप लोग के पास सेपरेट केज है उसको अलग कर दीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए उसके सामने एक हीट लैम्प जलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक हीट लैम्प जलाने के लिए, इन केस भी हीट लैम्प अगर नहीं आप लोग दे सकते हो तो कोई बात नहीं, आप लोग को तुरंत ही एक चीज़ देना है जो कि है लिवर टॉनिक। जी हाँ दोस्तों, हम लोग मैं जैसे यूज़ करता हूँ लिव 52, हिमालयन लिव 52 वेटरनरी वाला, वेटरनरी मेडिसिन भी है इसका, ह्यूमन मेडिसिन भी है, मैं वेटरनरी मेडिसिन यूज़ करता हूँ लिव 52 लिवर टॉनिक, वो बहुत ही अच्छा लिवर टॉनिक है। ये आपको एक दिन या फिर दो दिन फर्स्ट इनिशियल टाइम पे लिवर टॉनिक दे देना है। अगर आपका बर्ड्स वीक हो जा रहा है, बहुत फ्लपी कर दे रहा है, इन दैट केस आप तुरंत ही एक ही दिन सिर्फ लिवर टॉनिक दीजिए बर्ड्स को। उसका नेक्स्ट दिन आप लोग को देना है पैरासीटामोल। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल जो लिक्विड है ये आपको बर्ड्स को देना है। पैरासीटामोल लिक्विड का डोजेस मैं बता दे रहा हूँ, इसको अभी आपको पानी में, एक लीटर पानी के हिसाब से मैं अगर पकड़ता हूँ, एक लीटर पानी में आपको 3 ml देना है, 3 ml। ये आपको कंटिन्यूसली 3 days उस बर्ड्स को देना है पर्टिकुलरली। एंड वो भी एक चीज़, जैसे आपको लीवर टॉनिक भी देना है, लीवर टॉनिक देने के टाइम आपको 4 to 5 ml पर लीटर के हिसाब से देना है। अगर आप अगर सिंगल बर्ड्स को दे रहे, अगर सिंगल कटोरी में दे रहे लीफ 52, उस टाइम आपको 2 से 3 बूंद देना है, 3 से 4 ड्रॉप दे सकते हो। एंड सिमिलरली पैरासीटामोल भी 2 से 3 ड्रॉप एक कटोरी में दे के 3 दिन उसको वो पानी देना है उस बर्ड्स को। अभी देखिए, आप तो एंटीबायोटिक का कोर्सेस कर लिया उस बर्ड्स के सेफ्टी के लिए ताकि बुखार ना हो, वो बर्ड्स डेफिनेटली ये मेडिसिन अगर आप लोग दोगे, आप कोई भी बर्ड्स पालते हो, जावा, बजीस, फिंचेस, कॉकटेल, कनूर, लव बर्ड्स, जो भी बर्ड्स, सबके लिए ये मेडिसिन आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सबके लिए। ये बर्ड्स मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये मेडिसिन अगर आप लोग दोगे ये बुखार से, ये बर्ड्स डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मगर इस मेडिसिन के बाद आप लोग को और एक कोर्स करना है जो कि डाइजेस्टिव मेडिसिन का कोर्स। 3 दिन जब आप लोग पैरासीटामोल आप उस बर्ड्स को दे दिया, उसके बाद आप लोग को देना है डाइजेस्टिव मेडिसिन। डाइजेस्टिव मेडिसिन मतलब नियोपेप्टिन, कर्मोजाइम, बहुत सारा मार्केट पे अवेलेबल है। आप लोग जो भी आप लोग को सूटेबल है आप लोग बर्ड्स देते हो वही वाला डाइजेस्टिव मेडिसिन उसको देना है। क्यों देना है, देखिए एंटीबायोटिक जब भी एक बर्ड्स के शरीर में जाता है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बोले या फिर जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही लो कर देता है, बहुत ही वीक कर देता है, वो बर्ड्स खाना छोड़ देता है। वो बर्ड्स जल्दी से जल्दी रिकवरी करे, उसको भूख लगे, उसको वो खाना खाए, इसीलिए हम लोग जब भी वो पैरासीटामोल का कोर्स ख़त्म हो रहा है आपको उसी दिन, उसके नेक्स्ट दिन के बाद से ही खाने में नियोपेप्टिन देना है। आप सॉफ्ट फूड में भी दे सकते हो या फिर वाटर पे भी दे सकते हो। मगर जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग को आइडेंटिफाई हो रहा है इनिशियल स्टेज पे उस जिस बर्ड्स को आपका बुखार है, उस टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप लोग सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो उस टाइम इनिशियल टाइम पे, वो सॉफ्ट फूड पूरा कम कर देना उस बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स अगर वो सॉफ्ट फूड खाएगा उसका हाई चांसेस है, उसका शरीर ऑलरेडी वीक है, उसका हाई चांसेस है लूज मोशन हो जाने का। जी हाँ दोस्तों, लूज मोशन हो सकते हैं अगर आप लोग सॉफ्ट फूड उसको कंटिन्यू करोगे जब आप लोग वो मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोर्स कराओगे, तो इसीलिए उस टाइम सॉफ्ट फूड आप लोग को बहुत ही कम परिमाण में उस बर्ड्स को देना है। एंड जब डाइजेस्टिव मेडिसिन आप लोग प्रोवाइड कर दिया एक दिन दो दिन, उसके बाद से फिर से आप सॉफ्ट फूड धीरे धीरे उसको चालू कर सकते हैं, एंड वो बर्ड्स बिल्कुल भी रिकवरी होके आपके पास गारंटी के साथ बोल सकते हो आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको मेडिसिन का डोजेस बिल्कुल सही तरीके से उस बर्ड्स को देना है, एंड आपका बर्ड्स का जो फीवर है वो भी इनिशियल टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है इस टाइम, ये बीमारी बहुत लगता है ये बर्ड्स को, सब बर्ड्स को, जो भी बर्ड्स आप लोग पाल रहे हैं सबको लगने का चांस हो जाता है। एंड अपकमिंग ये गर्मी के बाद आ रहा है जो कि है हम लोग का बारिश का टाइम, ये सीज़न तो बहुत ही खतरनाक है। ये टाइम पे अगर आपका बर्ड्स देख पा रहे हो कि ये बर्ड्स आप लोग ऐसे ऐसे सिम्टम्स के साथ आप लोग नोटिस कर रहे हो कि आपका बर्ड्स का फेदर फ्लफी हो जा रहा है, इन दैट केस आप सभी बर्ड्स को
जितना भी आपका कैप्टिविटी में बर्ड्स है, सभी बर्ड्स को एक 3 डेज का पैरासिटामोल का कोर्स करा सकते हो। हाँ, बिल्कुल भी उसी प्रोसीड्योर के हिसाब से, पहले 1-2 दिन आपको लीफ 52 लीवर टॉनिक देना है, उसके बाद पैरासिटामोल कोर्सेस 3 डेज का, नेक्स्ट 3 डेज आपको डाइजेस्टिव मेडिसिन देना है। इसी तरीके से आप लोग आपका बर्ड्स का फीवर एकदम गारंटी के साथ ठीक कर सकते हो एंड आपका बर्ड्स फिर से रिकवरी हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड ज़रूर कमेंट करके बताइए कि और क्या आप लोग जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को ये डिटेल्स अगर मेरे जानकारी में है तो आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेहला बर्ड्स वर्ल्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।